जिला पैक्स व्यापार संघ की बैठक कनपुरा पैक्स अध्यक्ष अली राजा की अध्यक्षता में पैक्स विकास को संघ सिवान में हुई। बैठक में पान सूत्री मांगों पर उपस्थित पैक्स अध्यक्षों ने चर्चा की। बैठक में जिला पैक्स अध्यक्ष राजकिशोर सिंह राजीव भी उपस्थित थे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिसंबर 2018 को गांधी मैदान से समरालय तक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांगों को पूरा होने तक धान अधिप्राप्ति नहीं करेंगे। सिवान से अमन राज की रिपोर्ट। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बैठक का मुख्य प्रयोजन है कि पैक्स और व्यापार मंडल की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो हम लोग मांग करते आ रहे हैं, उसका निदान नहीं हो पा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से, जो 4 तारीख को बैठक होने वाली, प्रदर्शन होने वाला है गांधी मैदान से समरणालय तक, और जो डीएम महोदया को ज्ञापन देना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है किसानों से धान अधिप्राप्ति, उससे हम अपने को अलग रखेंगे। आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांगे हैं, 5-6 मांगे हैं मुख्य रूप से। पहली मांग है जनप्रतिनिधि, जो हमारे पंचायत में त्रिस्तरीय है, उनको जनप्रतिनिधि का दर्जा है। पैक्स प्रतिनिधियों को भी, कार्य समिति सदस्यों को भी जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांगे हैं, हमारे पैक्स प्रबंधक हैं, वो अपना अहर्निश काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन सरकार उन पर किसी तरह का कोई मानदेय रूप में, हमारी मांगे हैं कि उनको अस्थायी किया जाए और निश्चित मानदेय उनको निर्धारित किया जाए, जो विभाग से दिया जाए, सरकार द्वारा दिया जाए। अन्य हमारी मांगे हैं जो सरकार द्वारा हमसे कराए जाते हैं, जैसे धान अधिप्राप्ति। धान अधिप्राप्ति में 16-17 में सरकार द्वारा हमसे अधिप्राप्ति कार्य कराया गया। बोरा मद में किसान के खाते में 15 रुपया हम उनसे भुगतान कराया गया, लेकिन बिहार राज्य खाद्य निगम से जो हमें जो पैसे प्राप्त हुए, वो 15 रुपये नहीं मिल पाए, जो आज तक बकाया है। प्रत्येक समिति को 25,000 से लेकर के 50,000 तक बकाया है, जो हम अमानत लेकर के खर्च किए हैं। दूसरा है, अभी अभी 18-19 में सरकार द्वारा गेहूं अधिप्राप्ति का, किसानों से गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य किया गया। 1735 रुपये उसका निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य था। समितियों ने, व्यापार मंडलों ने किसानों के खाते में 1735 रुपये जमा कर दिया, लेकिन आज तक समिति को न ट्रांसपोर्टिंग, न हैंडलिंग या समिति कमीशन कुछ नहीं मिला है। प्रत्येक समिति 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक के घाटे में है, जो अमानत लेकर के, सूद पर कर्ज लेकर के दिया। तीसरा मांग है हमारा, जो हम धान अधिप्राप्ति का कार्य करते हैं और हमें जो कमीशन प्राप्त होता है उससे अधिक, 31.25 रुपये हमें कमीशन प्राप्त होते हैं, और उससे अधिक बैंक द्वारा हमसे सूद ले लिया जाता है, जिससे समितियां अहर्निश माने घाटे में चल रही हैं। इसको मांग को लेकर कि सूद का दर भी कम किया जाए, और जो हमें 15 से लेकर के आज तक जो सूद हमें एक्स्ट्रा लगा है, वो सूद भी वापस किया जाए। सबसे एक और हमारी मांग है, सरकार समितियों में कृषि यंत्रीकरण दे रही है, लेकिन उसमें एक बाध्यता सरकार ने कर दी है कि जिन समितियों में खाद बीज का लाइसेंस होगा और जो समितियां कार्य करती हैं, उन्हें ही कृषि यंत्रीकरण का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 20 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अभी तक लाइसेंस बनवाने में सरकार ने एक बीएससी डिग्री धारक होंगे उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा। समितियों में पहले से भी कार्यरत प्रबंधक हैं, जो हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट है, बीए हैं, जिन लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। हमारी मांग है कि समितियों में, विशेष करके चूंकि अर्ध सरकारी है समितियां, लिमिटेड है समितियां, उनमें डिग्री की बाध्यता समाप्त हो और सभी समितियों में खाद बीज का लाइसेंस दिया जाए, जिससे यंत्रीकरण का लाभ समितियों को मिल सके। अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करेगी तो क्या करेंगे? अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हमको धान अधिप्राप्ति से हम इसे अलग रखेंगे अपने को। क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। पैक्स अध्यक्ष? पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष दरौली, सह जिला पैक्स संघ अध्यक्ष।